कि वो साइलेंट मोड में रहे। चेक करो। एक चिड़िया आकाश में उड़ती थी, पंख फैलाए दूर दूर तक उड़ान भरी थी उसने। एक बादल को उस चिड़िया ने देखा और बादल को देखते ही उसका मन किया कि इस बादल पर जा बैठूं। तो वो उस बादल का अनुसरण करने लगी, कभी इधर भागती कभी उधर भागती, पर प्रयोजन एक ही था कि मुझे बादल पर बैठना है। वह पूर्व दिशा की तरफ भागती तो बादल पश्चिम की तरफ भागता, वह पश्चिम की तरफ भागती तो बादल उड़कर उत्तर दिशा में चला जाता, वह उत्तर की तरफ भागती तो बादल उड़कर किसी और दिशा में जाता। बहुत 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 प्रयास के बाद अंत में वह चिड़िया सक्षम हुई, काफ़ी प्रयास के बाद सक्षम हुई कि किसी तरह बादल पर चढ़कर बैठे। और जिस क्षण वह बादल पर चढ़ी उसी क्षण उसे पता चला कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वह बादल फटा और बरस गया और उसने ये बोध लिया कि बादल पर तो कुछ भी नहीं है, बादल यानी धुआं, बादल यानी हवा। और वहीं उसी क्षण में उसने यह निर्णय किया कि यदि कहीं बैठना ही है तो उस ऊंचे हिमालय के शिखर पर जाकर बैठूं तो ज़्यादा अच्छा होगा। यदि बैठना ही है, यदि आवश्यक ही है कि कहीं बैठा जाए, तो मुझे उस पर्वत के ऊपर बैठना, उसका संकल्प करना और उसका प्रयास करना यह ज़्यादा बुद्धि संगत था। बादल पर बैठना भी कोई बैठना है जो स्वयं ही स्थिर नहीं, जो स्वयं ही सदाकाल टिकने वाला नहीं, जो स्वयं ही टूटता है, बरसता है, बिखरता है, उस पर कोई बैठने का विचार करे, ये क्या पागलपन नहीं चिड़िया का? ये पागलपन क्या हम सभी नहीं कर रहे? क्षणिक के भरोसे जीवन बिता रहे हैं और गाते ये हैं, तुम जो मिल जाओ तो मिट जाए मेरे जन्मों के अंधियारे। जन्मों जन्म के अंधियारों को मिटाने की चेष्टा, मिटाने का विचार तो है हमारा, लेकिन बादल पर बैठकर क्या ये विचार साकार हो पाएगा? चिड़िया ने ठीक निर्णय लिया। उस चिड़िया ने तो समझदार रही होगी, बुद्धिशाली रही होगी चिड़िया, कि उसने ठीक निर्णय ले लिया कि बैठना ही है तो उस अडिग पर्वत के शिखर पर जाकर बैठा जाए जो हिलता नहीं, जहाँ बैठने के बाद बैठने का एहसास मिल पाता है। लेकिन जन्मों जन्म की इस दौड़ के बाद, जन्मों जन्म की इस भागम भाग के बाद, आज तक शायद हम लोग ये निर्णय नहीं ले पाए कि बैठना कहाँ है इस जीवन में। मनुष्य जीवन मिला है तो बैठना कहाँ है, क्षणिक के ऊपर या शाश्वत के ऊपर? जीवन जीना किसके आधार पर है, क्षणिक के आधार पर या शाश्वत के आधार पर? निर्णय ले लो, कम से कम इस मनुष्य जीवन में निर्णय ले लो। तुम कब पहुंचोगे इसकी तो गारंटी मैं नहीं दे सकती, लेकिन तुमने निर्णय ले लिया होगा तो तुम्हारी उड़ान सही दिशा में होगी, ये बात पक्की है। चिड़िया ने बादल पर बैठने का निर्णय लिया था तो उसकी उड़ान उस बादल के पीछे पीछे भटक रही थी, लेकिन जिस दिन चिड़िया ने निर्णय किया कि बैठना हो तो उस पर्वत के शिखर पर जो कहीं हिलता डुलता नहीं, उस दिन से उसकी यात्रा, उसका विकास, उसके पंख, उसके उड़ने की क्षमता, सब कुछ एक दिशा की तरफ हो लिया। बस इस दिशा का निर्णय कराना श्रीमद् राजचंद्र मिशन का कार्य है। भगवान महावीर के जाने के बाद 2500 साल बाद ये पुरुष इस धरती पर, उनका आगमन हुआ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, बहुत थोड़े साल हुए, लगभग 112-13 साल हुए हैं, ज़्यादा पुराना समागम नहीं हुआ उनका, अभी गए, हमारी भाषा में बतला कर गए। ये शास्त्र है जिसमें उन्होंने सारी भगवान महावीर की ही बातें, लेकिन आज के समय को देखकर, आज के मनुष्य मन के विकास को, बुद्धि के विकास को देखते हुए उन्होंने इसमें लिपिबद्ध किया है स्वयं ने।
वही निर्वाण की बातें, वही मोक्ष की बातें, वही धर्म की बातें, लेकिन शायद कुछ एक अलग ढंग से प्रस्तुत की, और अलग नहीं मैं कहूँगी इतने सरल ढंग से प्रस्तुत की कि हम जैसे मार्केट्स और मॉल्स में डिस्कोस में घूमने वाले लोग भी इसे समझकर इस तरफ आकर्षित हुए, और आकर्षित हुए इतना ही नहीं, प्रभु ने जैसे बोला ना, अनुभव भी किया धर्म क्या है। भीड़ की भीड़ भाग तो रही है धर्म के पीछे, लेकिन धर्म क्या है। और इसलिए मुझे लगा कि आज का विषय यही रखा जाए, धर्म गुप्त या प्रकट। आप लोग कहोगे जबरदस्ती का विषय बना दिया गया है, क्योंकि धर्म तो प्रकट ही है, दिखता है। आप कहेंगे एक व्यक्ति अभी तक जो घर में सो रहा है वो अधार्मिक है, और हम सब सत्संग में आकर बैठे हैं, हम सब क्या है? सो स्वीट। अभी पता चलेगा, ये मुस्कान थोड़ी देर में महंगी पड़ने वाली है, थोड़ी देर और रुको, तुम्हें पता चलेगा तुम धार्मिक हो कि नहीं हो। एग्जैक्टली। देखने से ऊपर ऊपर से तो ऐसा ही लगता है, ये शिविरों पे शिविर अटेंड कराते हो, सत्संग कराते हो, भक्ति ध्यान में डुबाते हो, कभी रुलाते हो, कभी हंसाते हो, कभी उड़ाते हो, सब कुछ कराते हो, तो ये क्या धर्म नहीं है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसलिए श्रीमद् का एक फेवरेट वचनामृत है जो लगभग हर साल में हम कहीं ना कहीं एकाध बार तो लेते हैं। हाँ, उसका ढंग बदल जाता है आप सबकी शक्लें देखकर, लेकिन एक वचनामृत तो हम हर साल में एक बार लेते हैं। आपको मालूम है कौन सा वचनामृत? 47, जिसके अंदर श्रीमद् के वचन के आधार पर ही हम बात करते हैं। इस वचनामृत में, वैसे तो काफ़ी लंबा है ये, लेकिन थोड़े से फकरे में लेती हूँ, श्रीमद् लिखते हैं कि जगत में सत परमात्मा की भक्ति, सतगुरु, सत्संग, सत शास्त्र अध्ययन, सम्यक दृष्टित्व और सतयोग, ये कभी प्राप्त नहीं हुए। हुए होते तो जीव की ऐसी दशा न होती, परंतु जब जागे तभी सवेरा, यूं सत्पुरुषों का बोध विनयपूर्वक ध्यान में लेकर उस वस्तु के लिए प्रयत्न करना, यही अनंत भव की निष्फलता का एक भव में दूर होना मेरी समझ में आता है। धर्म यह वस्तु बहुत गुप्त रही है, यह बाह्य शोधन से मिलने वाली नहीं है, अपूर्व अंत संशोधन से यह प्राप्त होती है। यह अंत संशोधन कोई एक महाभाग्य सद्गुरु के अनुग्रह से पाता है। इतनी सी बात श्रीमद् ने इस वचनामृत में कही है। कहते हैं जगत में सत परमात्मा की भक्ति, सद्गुरु, सत्संग, सत शास्त्र अध्ययन, सम्यक दृष्टित्व और सतयोग, ये कभी प्राप्ति नहीं हुए। आप कहोगे नहीं प्राप्त हुए हैं हमें, क्या बात करते हो, हम भगवान के सामने जाके नाचते हैं, गाते हैं, मंदिर में पूजा की का थाल सजाते हैं, सब कुछ तो करते हैं। हम मंदिरवासी नहीं है तो चलो स्थानकवासी हैं, तो हम स्थानक में जाके कितनी कितनी सामायिक करते हैं। यहाँ पर कहते हैं सत्संग, सत परमात्मा का योग, सद्गुरु, सत शास्त्र अध्ययन, ये सब कभी हुआ ही नहीं है। पहले ही पॉइंट से श्रीमद् ने कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी कर दी, और ये मज़ा है ज्ञानियों का। श्रीमद् हमारे जीवन में आए लगभग 15-16 साल पहले, हर वचनामृत में, हर पंक्ति में कहीं एक प्रश्न खड़ा हो जाता, और बस यहीं आप लोग चुके हैं। प्रश्न नहीं खड़ा किया, चाहे परंपरा ने तुम्हें धर्म दिया, चाहे शास्त्रों ने दिया, चाहे सद्गुरु ने दिया, लेकिन जरा प्रश्न तो खड़ा कीजिए कि इससे लाभ क्या, ये करना कैसे है। और हम चूकते गए, क्योंकि हमें लगता है प्रश्न खड़ा करना यानी ये तो घोर अविनय है। प्रश्न खड़ा करना अविनय नहीं है, प्रश्न खड़ा करोगे तो समाधान की यात्रा पर निकलोगे। हर जगह यह प्रश्न मिलता गया, क्योंकि यहां लिखते हैं सत परमात्मा की भक्ति कभी हुई नहीं। आप कहेंगे नहीं हम लोग तो देरासर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, भक्ति करते हैं, करते हैं कि नहीं, लेकिन क्यों करते हैं, क्या प्रश्न पूछा। जिस मार्ग पर हम लोग चल पड़े हैं, इस मार्ग को मैं अध्यात्म का लेबल देती हूँ, क्योंकि धर्म यानी आप लोगों के लिए बड़ा बड़ा शायद आउटडेटेड वर्ड हो गया है, इसलिए अब अध्यात्म की परिभाषा, अध्यात्म के
कंधे पर बंदूक रख के चलाने का सोचा है। कि अध्यात्म यानी क्या, अध्यात्म ये नहीं कहता कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अध्यात्म सीधा ये बताता है तुम जो कर रहे हो उसे कैसे करना चाहिए। क्या करना क्या नहीं करना ये मेरा विषय ही नहीं है। आप मंदिर जाते हैं तो आपको वहाँ से निकाल कर स्थानक में ले आना, या स्थानक जाते हैं तो ध्यान शिविरों में धक्का मारना, ये इस मिशन का लक्ष्य नहीं है। लेकिन लक्ष्य बस इतना है कि आपको जिसमें रस हो, जिसमें रुचि हो, आप वो करें, लेकिन कैसे कर रहे हैं ये जरा चेक कर लें, कैसे कर रहे हैं। एक जैन फकीर बोकाजो का नाम बहुत था और मेरा फेवरेट फकीर है, तुम सबको मालूम है, हर सत्संग में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पधारते ही हैं। वर्षों पहले की बात है, बोकाजो नाम का जैन फकीर प्रसिद्ध फकीर हुआ करते थे, और जहाँ प्रसिद्धि होती है वहाँ लोगों की भीड़ तो आती ही है ना। तो प्रसिद्धि थी, अपने में एकदम सदा हुआ फकीर था। एक दिन बैठा था अपने कुछ लोगों के साथ और वहाँ अचानक से एक व्यक्ति आया बाहर से, ज़ोर से उसने जूते पटके, ज़ोर से दरवाज़ा पटकाया और आया और विनयपूर्वक बोकाजो के चरणों में गिर गया कि बोकाजो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ध्यान से सुनना, कहानी कहें हम किसी के भी नाम से, लेकिन आप लोग लेना अपने नाम से। तो आया, दरवाज़ा ज़ोर से पटका, जूते ज़ोर से खोले और आया, पूरे विनय पूरे सम्मान के साथ बोकाजो के चरणों में गिरा, बोकाजो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बोकाजो भी सही फकीर था, सही मायनों में फकीर था, खाली बनावट का नहीं, इसलिए बोल दिया जाओ तुम्हारा प्रणाम स्वीकार नहीं करता। तुम्हारे आजकल के फकीरों जैसे नहीं कि किसी ने सम्मान दिया और हाँ स्वीकार, लेकिन ये कुछ अलग टाइप के फकीर रहे होंगे, इसलिए बोकाजो ने बोल दिया जाओ नहीं करता। तो बोला क्यों, मुझसे कोई गलती हुई क्या, मेरे विनय में कहीं चूक हुई, जिस ढंग से झुककर आपको प्रणाम करना चाहिए था क्या वो ढंग से झुकने में कुछ भूल हुई। कहा भूल यहाँ नहीं हुई, भूल जरा बाहर हुई, जिस जोर से पटक कर तुमने जूता निकाला और जिस जोर से पटक कर तुमने दरवाज़ा बंद किया, तुम्हारी भाव दशा तो मैं वहीं से समझ गया। देखो बहुत लोग देखते हो ना तब महात्मा बनना बहुत आसान है, लेकिन जब कोई ना देखता हो तब उस महात्मा की अनुभूति, तब महात्मा बने रहना यही कठिन है। और इसीलिए धर्म बहुत गुप्त वस्तु है, ऐसा कहा श्रीमद ने, धर्म बहुत गुप्त है। तुम वहाँ क्या करके आए ना, वो भी इम्पोर्टेंस रखता है महावीर और श्रीमद जैसे लोगों के लिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं, बहुत लोग देख रहे हैं तुम्हें, तुम नहीं भी चाहो ना तो भी अच्छा हो जाने वाला है। तो बोकाजो ने बोला जाओ तुम्हारा प्रणाम स्वीकार नहीं करता, निकलो यहाँ से। तो बोला क्यों, कहा पहले तुमने उस जूते पर और दरवाजे पर क्रोध किया तुम जानते हो। बोला हाँ थोड़ा मैं क्रोध में तो था। तो बोला ठीक है कि तू पहले उससे क्षमा मांग कर आओ। अब तो ये कुछ ज़्यादा बात हो गई, क्योंकि आसपास लोग बैठे थे और लोगों के सामने ऐसी बेहुदा बात तुमसे की जाए कि उन जूतों से क्षमा मांग के आओ, कैसा लगेगा संजीव प्रभु। जूतों से क्षमा मांग कर आओ, दरवाजे से क्षमा मांग कर आओ। तो वह व्यक्ति बोला थोड़ा सुलझा और तुम्हारी तरह समझदार होगा, तुम्हारी तरह, इसलिए उसने बोला कि अरे वो जूते और वो दरवाज़ा, आपको बोकाजो मालूम नहीं कि वो तो जड़ है, वो तो नॉन लिविंग जड़ है, उनसे क्या क्षमा मांगनी, उनसे क्या जाकर सॉरी कहना। बोकाजो भी फकीर है, संत प्रकृति के, सीधा बोल दिया अगर जड़ को क्रोध करने में एक क्षण नहीं सोचा तो जड़ से क्षमा मांगने में क्यों सोचते हो। जड़ के ऊपर गुस्सा करने में तुम्हें एक क्षण भी समय नहीं लगा, और जड़ से क्षमा मांगने में जो ये इतना समय लग रहा है ना, दिस इज कॉल्ड अहंकार। और अहंकारियों का मेरे पास, मेरे उपाश्रय में, मेरे शिविर में कोई स्वागत नहीं है। तुम जाओ पहले उनसे क्षमा मांगो। और स्वाभाविक है, तुम नहीं जानते, तुम्हारे क्रोध से तुम्हारे घर में
कितना शोर होता है। कहने को तो ये क्रोध तुम्हें बहुत चुप कर देगा। और साइकोलॉजी क्या कहती है, रिलीजियस साइकोलॉजी, समझने की बात है। जिस दिन घर की औरत गुस्से में होती है, जिस दिन घर की औरत गुस्से में होती है, उस दिन 6 गुना ज़्यादा शोर होता है, बर्तनों का, दरवाज़ों का, जूतों का, हाथ का, हर चीज़ का। वो मुंह से कुछ ना बोलेगी, मुंह से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसके भीतर जो ये क्रोध का उछाला है, उसके भीतर जो ये क्रोध उछल रहा है, उसके भीतर ये जो क्रोध की ऊर्जा है ना, वो अलग अलग ढंग से शोर मचाएगी। तुम समझ जाना उस दिन कि आज ये गुस्से में है। ऊपर से वो यही कहेगी, मैं थोड़ी कुछ बोल रही हूँ, ऊपर से वह यही कहेगी, लेकिन ये अलग अलग जाति के शोर तुम्हारे घरों में सुनाई देते हैं कि नहीं? हाँ के ना, सबके घरों में। और तुम इनके बारे में भी ऐसा ही समझना, जिस दिन व्यक्ति ज़्यादा क्रोधित होता है ना, ऊपर ऊपर से तो मौन हो जाएगा, ऊपर ऊपर मौन तो क्या, शब्दों को सीमित कर देगा, लेकिन भीतर भीतर उसका क्रोध अलग अलग ढंग से शोर मचा रहा है। इस भीतर को देखना ये धर्म है। मिशन का सारा जोर इस बात पर है कि तुम कैसे अपने भीतर के प्रति सजग हो जाओ। आपने बाहर तो बहुत 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 क्रियाएं करी है और बिल्कुल बराबर, कहीं उसमें शायद मैं कोई चूक ना निकल पाऊंगी, क्योंकि आप सामायिक करते हैं तो पूरे 48 मिनट का अलार्म लगा कर बैठते हैं। 48 मिनट के बाद क्या पता आप डूब जाओ और आपको पता ना रहे, लेकिन क्या आप भूल गए कि इसी डूबने के लिए आपने सामायिक लगाई थी? वो भूल जाते हैं, क्योंकि शायद हम ये सोचने को ही तैयार नहीं कि ये सामायिक क्यों, ये मंदिर जाके जिन बिब का दर्शन क्यों। प्रश्न उठाओ, और आप जितने प्रश्न उठाओगे ना, उतने आप समाधान के निकट, समाधि के निकट पहुंचोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन प्रश्न उठाना सीखो। क्यों जाते हैं सुबह सुबह लोग मंदिर? क्यों रात का नियम नहीं ले रखा किसी ने? जाते हैं ना लोग, जाते हैं, कोई मंदिर वाला है यहाँ? जाते हैं मंदिर। क्यों सुबह सुबह जाते हो? इसलिए कि उस दिन आज दुकान अच्छी चले। देखो मैं ऑप्शंस देती हूँ, आई गिव यू फ्यू ऑप्शंस। आज दुकान अच्छी चले, आज जो भी बच्चे का एग्जाम है अच्छे से हो जाए, आज संबंधों में कुछ दरारें पड़ी है तो वो थोड़ी सुलझ जाए। आप क्यों जाते क्यों हैं मंदिर? आपके पास मेरी इन बातों का जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी ये प्रश्न ही नहीं किया। और यदि प्रश्न किया है ना, तो आप जानते हैं कि या तो आप भिखारी की कैटेगरी में है या सौदागर की कैटेगरी में है। भगवान के पास दो प्रकार के लोग जाते हैं, एक भक्त जाता है और भिखारी जाता है, दूसरा। एक भिखारी जाता है और दूसरा भक्त जाता है। भिखारी कौन है? भिखारी तुम वैसे कौन, किसे कहोगे? जिसे कुछ मांगने वाले को, लेकिन जिसे कुछ चाहिए लेकिन बदले में कुछ देने को तैयार नहीं, उसे भिखारी कहोगे ना? खाना चाहिए लेकिन बदले में कुछ देने को तैयार नहीं। और भक्त तुम किसे कहोगे? मतलब मैं किसे कहती हूँ भक्त? जिसे कुछ चाहिए तो सही भगवान से, लेकिन साथ में देने को तैयार है। यहाँ लेन देन जो है ना, पैसों का नहीं होता। यहाँ लेन देन पद प्रतिष्ठाओं का नहीं होता। यहाँ लेन देन तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारे ध्यान की गिनतियों का नहीं होता। यहाँ एक ही लेन देन चलता है, तुम्हारा अहंकार कितना गिरा। बस एक ही लेन देन। तुम्हें भगवान से कुछ चाहिए तो बस अहंकार कितना गिरा। और ये अहंकार गिरेगा कब? जब तुम इस अहंकार के प्रति जागृत होगे। तुम्हारे भीतर चल क्या रहा है कभी तुमने ठहर कर सोचा ही नहीं है। आप मंदिर जाते क्यों हैं, इस प्रश्न का भी जवाब नहीं है। बस सब जाते हैं इसलिए जाते हैं, ये कोई जवाब है क्या? ये कोई जवाब है? बस बचपन से आदत डाल रखी इसलिए जाते हैं यहाँ। और इसे ऊपर से आप विनय कहते हैं, विनय, कि भाई भगवान के पास क्यों जाते हैं ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये अविनय कहलाता है। प्रश्न उठाओ, अविनय के अंदर आओ, कोई बात नहीं, तुम्हारा इतना अविनय माफ है, लेकिन प्रश्न पूछो कि हम सबसे पहले प्रातः काल में जिन बिंब का दर्शन क्यों करते हैं? मंदिर ना जाते हो, घरों में तो करते होंगे, घरों में तो करते हैं, क्यों करते हैं? भगवान की प्रतिमा यानी साकार गुणों की प्रतिमा है। गुण, दिनेश प्रभु क्या देखना है भगवान में? क्या देखना है? कितनी चमचमाती प्रतिमा है ये देखना है। कहाँ का पत्थर होगा, मकराना का होगा या आजकल इज़राइल का अच्छा आता है, कहाँ ये देखते हो क्या? आपकी भक्ति तो अतुलनीय है, इस भक्ति में आप देखते क्या हो?
तो वहां से जवाब मुझे यही मिल रहा है, खाली भगवान के गुणों को देखते हैं बस। तो एक पत्थर की प्रतिमा में भी जब तुम गुणों को देख रहे हो दिन की शुरुआत में, तो कहीं इतना निर्णय तुम्हारे भीतर कर रहे हो कि एक पत्थर में जब गुणों को देख सकता हूं, तो इतनी सारी चैतन्य शुद्ध आत्माओं में क्या गुणों को नहीं देख सकता? भगवान मुझे तैयारी दो, इसकी तैयारी दो मुझे। समझ नहीं आया क्या? जब पत्थर की प्रतिमा के अंदर हम गुणों को देख सकते हैं, उस पत्थर की तो है, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ऐसा सुन रहे हो तो? दिनेश प्रभु, ऐसा तो नहीं लग रहा कि भगवान को पत्थर का आयोजन के पीछे प्रयोजन है और गहरा मानसिक प्रयोजन है। इस मानसिक प्रयोजन को समझने की कोशिश करो। सुबह सुबह जाते हो मंदिर में, सुबह सुबह जाते हो उपाश्रय में, सामायिक लेकर बैठते हो, पूरे कितने मिनट की? 50 नहीं हो जाने चाहिए, कहीं मोक्ष में चले गए। 48 मिनट। मैंने लोगों को अलार्म लगाकर सामायिक में बैठते देखा है। आवश्यकता क्या है? तुम 2 मिनट भी सामायिक में सिरक जाओ ना, बहुत है। भगवान को 48 मिनट भी नहीं चाहिए। कभी पूछा क्यों बैठते हो 50 मिनट 48 मिनट, चलो क्यों बैठते हो? नहीं पूछा, बस सब करते हैं ना इसलिए करते हैं। तुम लोग इतने चॉइसलेस नहीं हो कि सब करते हैं इसलिए करते हैं या हमें कोई इससे प्रयोजन नहीं है, ऐसा नहीं है। 4 तरह की सब्जियां सजाई हो ना प्लेट में नहीं, वहां तुम्हारे काउंटर पर, तो सिलेक्ट करोगे कि ये पसंद है और ये नहीं पसंद, ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। धर्म के मामले में तुम्हें कुछ पड़ी ही नहीं है शायद कि कौन सा धर्म किस ढंग से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये मुझे लाभ कहाँ पहुंचाएगा कहाँ नहीं पहुंचाएगा। बिल्कुल हमें धर्म से कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए कोई प्रश्न नहीं है। प्रयोजन होगा ना उस दिन प्रश्न आएगा। और लोग आकर मुझे कहते हैं आजकल के बच्चों को ना कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, धर्म में इंटरेस्ट नहीं है। मैं कहती हूँ तुम बिल्कुल झूठ बोलते हो। आजकल के बच्चों को धर्म में कितना इंटरेस्ट है वो आकर हमारी शिविरों में देखना। और दूसरा, आजकल के बच्चों को अगर धर्म में इंटरेस्ट नहीं है तो वो अधार्मिक है, ऐसा मैं नहीं कहती। मैं ये कहती हूँ उन्हें तुम्हारे धर्म करने के ढंग में कुछ समझ नहीं आ रहा कि 20-20 सालों से पापा कर रहे हैं, 20-20 सालों से मम्मी कर रही हैं, अभी तक एक क्रोध को नहीं जीत पाए, अभी तक एक झूठ को नहीं जीत पाए, अभी तक एक काम वासना को नहीं जीत पाए, क्या बोलना इन लोगों को? यानी धर्म से कुछ मिलता नहीं। यदि धर्म से तुम्हें देखकर तुम्हारे बच्चे ये निर्णय ले लेते हैं कि इनके धार्मिक तौर तरीके ज़्यादा काम के नहीं है, कौन जाए इनके पीछे? इसलिए बच्चे नहीं है आज। Why we are into this youth evolution program? Why? Not because के youth बड़ी, किसी ने तो आकर मुझसे यहाँ तक कहा कि बड़ी नासमझ प्रजा है। नहीं, बहुत समझदार है, लेकिन तुम्हारे धर्म करने के ढंग इनकी समझ में नहीं बैठ रहे, इसलिए ये अटक गए हैं। उन्हें लाओ, उन्हें राइट ढंग हम बताएंगे क्या धर्म है, क्या आनंद है, क्या मस्ती है, जिसमें हम लोग गाते हैं ना हम मस्त रहते हैं। बस मुझे हम बोलने की देर होती है, पीछे तो इन लोगों की तैयारी है। हम सदा मस्त रहते हैं, कैसे? मान मिले तो मस्त, अपमान मिले तो भी मस्त। क्यों? क्योंकि हमने धर्म को पाया है। तुम कहोगे मान मिले ना तो मस्त, अपमान मिले तो जो भी बोलो, मान मिले वो तो हमें बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन अपमान मिले तो नहीं अच्छा लगता। ये जो डुलती हुई दशा है ना, डुलती हुई, ये हो तो अच्छा, ये ना हो तो अच्छा, ये डुलती दशा धर्म नहीं है। धर्म यानी एक संतुलन, धर्म यानी मध्य में आके टिक जाना, ना इधर जा रहे हो ना उधर जा रहे हो, तुम ऐसे मध्य में हो कि वहाँ सब कुछ बस मस्ती के खाते में जाता है। चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु हो, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, चाहे धोखा हो चाहे सम्मान हो, हम मस्त रहते हैं। इस दशा को पाना धर्म है। और जितना भी धर्म करो ना वो इस प्रयोजन से करना, फिर मस्ती ना आए तो हमसे कहना। धर्म वस्तु बहुत गुप्त रही है, श्रीमद ने सीधा सीधा बोल दिया। तुम्हें जगत में सत परमात्मा की भक्ति, सदगुरु, सत्संग, शास्त्र, ये सब मिले होंगे, लेकिन साथ में धर्म की घटना नहीं घटी। ये सब घटनाएं बाहर घटती हैं,
मंदिर मिला, मंदिर कहाँ है, बाहर है, भीतर है, शास्त्र मिले, शास्त्र का अभ्यास मिला, अभ्यास कहाँ होता है, वो भी बाहर की घटना है, तुम्हें तीर्थ यात्राएं मिली, बाहर की घटना है, तुम्हें सत्संग मिला, सतयोग मिला, जो कुछ भी मिला सब कुछ बाहर की घटना है। इन बाहर की घटनाओं के दायरे में तुम्हारे भीतर क्या है ना, वो चेक करना, वो धर्म है। ये सब तैयारी है, सब सजावट है तुम्हें धर्म तक ले जाने के लिए। इस ठंड में किसी को सूप बनाना हो तो सूप बनाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, टोमेटोज लाने पड़ेंगे, टोमेटो सूप है तो, फिर थोड़ा थोड़ा इनको नया प्रभु को लगता है कि आजकल प्रभु को वीकनेस बहुत लगती है, लाओ सारा वेजिटेबल भी डाल दूँ, तो वो सारा वेजिटेबल भी डालेंगी, घिया डालेंगी, बीन्स डालेंगी, सभी कुछ डालती हो कि नहीं, तो वो सूप के अंदर सभी कुछ जितना भी, खाली बस रंग लाल लाल दिखना चाहिए, उन्हें मालूम है लाल होगा तो पी जाएंगी, नहीं तो शोर मचाएंगी, लाल लाल बनाकर कैसे भी करके सब कुछ दे देंगी। सूप बनाना हो तो टोमेटोज लाओ, बीन्स लाओ, लाना तो पड़ेगा ना, वॉश करो उन्हें, वॉश करते हो ग्राइंडर में, करो बॉईल करो, जो भी होता हो तुम लोगों का पूरा पैटर्न से आप सूप बनाकर डाइनिंग टेबल पे रखो। इसके बदले नेहा प्रभु कहे सूप बनाना है मुझे, मैं अच्छे से नहाने जाऊं, ना कर आऊँ, अच्छा एकदम वार्म हॉट शावर लेकर आऊँ, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनूँ, क्योंकि मुझे प्रभु के लिए बनाना है। इनको ऐसा लगता है ना कि मुझे प्रभु के लिए सूप बनाना है, तो मैं अच्छे से नहा लूँ, अच्छे से कपड़े पहन लूँ, अच्छे से बिंदी बिंदी लगाऊँ, टीका लगाऊँ, हीरों की बैंगल्स पहनूँ, अच्छे से अच्छा। तुम्हारे मंदिरों में क्या होता है, और अभी आ रही है बात, तुम खाली नया प्रभु पर मत हंसना, क्योंकि हम सब उसी कैटेगरी पे हैं, ठीक है, ये हीरे की बैंगल्स पहनी, अच्छे से घर के अंदर आजकल इन लोगों को पैटर्न कुछ सूझा है तो एरोमा कैंडल्स वगैरह लगाते हैं, एरोमा कैंडल्स लगी थी ना, तो मैं शिविर में भी थी ना, सब जगह एरोमा कैंडल्स का इन्होंने पूरा ताना माना लगा के रख दिया था, बढ़िया। और फिर ये कहे सूप बन गया, मानोगे आप? इन्होंने वहां से वेजिटेबल्स के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की, बस वेजिटेबल्स हैं घर में इतना मालूम है, लेकिन उन्होंने वो अच्छे से नहाए, हॉट शावर लिया, अच्छे कपड़े पहने, टीका लगाया, बैंगल्स बदली, घर में एरोमा कैंडल्स लगाई, हर जगह खुशबू खुशबू फैला दी। घर पर जाके गौतम प्रभु ने पूछा सूप रेडी, प्रभु आ रहे हैं, अरे वो तो रह गया, मैं इस आयोजन में इतनी मस्त और व्यस्त रही कि वो तो रह ही गया। बस यही आज की दशा है धर्म करते हुए लोगों की, आयोजन में इतने लग गए हैं, अच्छे से अच्छा मंदिर बना रहे हैं, बड़े से बड़ा मंदिर बना रहे हैं, बड़े से बड़ा बड़ा भुवन बना रहे हैं, ध्यान के लिए बड़े से बड़ा हॉल बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, तुम्हें बनाना चाहिए। क्यों ये अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, बिंदी लगाकर, हीरे की चूड़ियाँ पहनकर तुम सूप नहीं बना सकती? बना सकती हो ना, लेकिन ये नहाना धोना, अच्छे कपड़े पहना, एरोमा की फ्रेग्रेंस लगाना, इसे सूप बनाना मत समझ लेना। सूप बनाने के लिए यू हैव टू डू समथिंग विद द टोमेटोज एंड वेजिटेबल्स, इजंट इट? सूप बनाने के लिए तुम्हें टमाटर और वेजिटेबल के साथ कुछ करना होगा। उससे पहले तुम चाहो तो तुम कर भी सकते हो, टेक अ हॉट शावर, तुम अच्छे कपड़े पहन सकते हो, तुम फ्रेग्रेंस लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो चाहो तो। यदि ऐसा किया तो सूप बनाने में कोई बाधा होगी क्या? नहीं होगी ना। लेकिन ऐसा करने में कहीं तुम उन वेजिटेबल्स को भूल तो नहीं जा रहे ना, ये स्मरण में रखना। बस यही श्रीमद् राजचंद्र ने अपने वचनामृतों से हमें सिखाया, तुम चाहे कोई भी क्रिया में हो, जप में हो, तप में हो, व्रत में हो, शास्त्राभ्यास में हो, परमात्मा भक्ति में हो, मंदिर के निर्माण में हो, किसी भी कार्य में लगे हो, वो सब क्या है? नहाने जैसा। वो सब क्या है? हीरे की चूड़ियां पहनने जैसा। वो सब क्या है? बाहर में एरोमा की फ्रेग्रेंस लगाने जैसा। मेन काम तो नहीं भूल गए, और मेन काम क्या है? वो गुप्त है, वो तुम्हारे भीतर चल रहा है। तुम लाखों का दान दो, लेकिन भीतर यदि नाम की कामना है, कामना इच्छा है, तो उस दान को तुम धर्म कह पाओगे? तुम आठ आठ उपवास करो और भीतर में वरघोड़े के सपने आ रहे हैं तुम्हें, होता है कि नहीं तुम्हारे यहाँ? अशोक विहार, मुझे तो विहार बड़ा पसंद आया, इसका नाम ही बड़ा पसंद आया, अशोक, कोई शोक में ही नहीं होगा ऐसा मुझे लगा, तो मैंने बोला यहाँ क्यों सत्संग का आयोजन कर रहे हो, यहाँ तो हर कोई अशोक में है,
अशोक में विहार कर रहा है, यहाँ पर क्यों सत्संग? तो बोले नहीं नहीं आपको मालूम नहीं है, हर जगह एक जैसा ही हाल है। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, धर्म का संबंध जैसे सूप बनाने का संबंध टमाटर और वेजिटेबल्स के साथ है ना, वैसे धर्म का संबंध तुम्हारे भीतर के परिणामों के साथ है, भीतर के भावों के साथ है। बाहर तुम क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो बातें आती है कि वो तुष्माश तुष्माश माश्तुष मुनि की बातें सुनी है ना, खाली दाल के छिलके अलग करते करते आत्म अनुभूति को उपलब्ध हो गए। तिलोपा की बात आती है ना, तिल को से कूटते 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 आत्म अनुभूति को प्राप्त हो गए। तुम क्या करते हो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, तुम कैसे करते हो ना उससे फर्क पड़ता है। अध्यात्म का सारा मार्ग कैसे पर निर्भर करता है। और इसीलिए श्रीमद् ये कहने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि धर्म वस्तु बहुत गुप्त रही है। परीक्षा में जाना हो, इन बच्चों की परीक्षा हो और इसको पूछे, रात को नीलेश प्रभु को याद आए बेटा सब तैयारी हो गई, और ये बोले हाँ पापा बिल्कुल 6 पेन खरीद के ले आया, अच्छे से मैंने वो बोर्ड राइटिंग बोर्ड होता है वो तैयार कर लिया, जितने फर्रे शुर्रे तैयार करने थे सारे मैंने वो पॉकेट्स में डाल दिए, कोट भी बिल्कुल ड्राई क्लीन होके आ गया है, शूज भी शू मेकर के पास जाके पॉलिश होके आ गया है, बढ़िया वेरी गुड। इससे क्या परीक्षा की तैयारी कहोगे? ये तुम करो तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, तुम ये करते हो तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन परीक्षा की एक्चुअल तैयारी कहाँ से शुरू होती है? तुमने पढ़ा कि नहीं? इतनी तैयारी में ये बेचारा भूल ही जाए कि अरे मैथ्स का पेपर है कल, ये भूल जाए क्या होगा? बस यही प्रॉब्लम है। धर्म के नाम पर आयोजन तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन उन आयोजन के पीछे तुम एग्जाम में कितने पास हो कितने फेल हो रहे हो उसका किसी को कोई भान नहीं है, कोई निर्णय नहीं है। तुम्हारे नित्यक्रम, तुम्हारे सत्संग, तुम्हारे ध्यान, सब कुछ, मैं क्या कहती हूँ लोगों को, ये नेट प्रैक्टिसेस जैसे हैं, फील्ड प्रैक्टिसेस होती है ना, फील्ड प्रैक्टिस। तुम्हारी बेटी कुछ है टूर्नामेंट की, वो क्या बोलते हैं कंट्री लेवल की या कुछ जोनल लेवल की हेड है, तो उसका मैच कब होता है? साल में 1 बार 2 बार। और वो प्रैक्टिस कितनी करती है पल्लवी प्रभु? पूरे साल नहीं, रोज का बताओ, रोज 3 घंटे, रोज 6 से 9 बजे तक वो बाल भारती स्कूल के अंदर नेट प्रैक्टिसेस में होती है। क्या खेलती है वो? लॉन टेनिस खेलती है। वो नेट फील्ड प्रैक्टिसेस है ना, वो तो 3-3 घंटे की रोज करती है। मैच कब होता है? साल में 1 बार, और मैच जीत कर आती है। तुम्हारी ये प्रैक्टिसेस है, सुबह मंदिर जाना, सामायिक करना, जप करना, भगवान का दर्शन करना, तीर्थ यात्रा में जाना, ये सब फील्ड प्रैक्टिसेस हैं, नेट प्रैक्टिसेस हैं। इन नेट प्रैक्टिसेस के पीछे प्रयोजन क्या है? कि जीवन में जब कोई विषम प्रसंग आए, जीवन में जब कोई ऐसा प्रतिकूल प्रसंग आए, तो वहां तुम उसे जीत जाओ, वहां तुम संभाव में से पसार कर जाओ, तुम्हारा अहंकार यूं आने के बदले यूं सीधा सोता सोता उसमें से पसार हो जाए। और वो कब आता है? नहीं, अवनी के केस में तो मैच 1 बार आता है, तुम्हारे केस में तो दिन में हर क्षण परीक्षा है। इसीलिए कहीं तुम्हें लगता होगा धर्म बड़ा कठिन है, लेकिन एक बार यदि इसे साध लो ना तो इससे आसान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। धर्म मतलब जागरण। अब ये जागना आसान है कि मुश्किल? यू कैन नॉट से इट दैट फास्ट। तुम कहोगे हम इतने पुराने सालों के सत्संगी हैं, हमें मालूम है फाइनली आप जागना आसान है, ऐसा ही कहोगे। लेकिन यार नए भी तो लोग हैं ना, तो उन्हें पहले थोड़ा कंफ्यूज किया जाए, फिर उन्हें वापस राइट आंसर दिया जाए। तो जागना आसान है कि मुश्किल? निश्चिंत प्रभु, मुश्किल है। जागना आसान है कि मुश्किल? कौन है यहाँ? और इंदुबा 80 ईयर्स, आज ये सब पिकनिक में जाने वाले थे और ये सब पिकनिक के बदले यहाँ बैठे हैं, मैं देख पा रही हूँ ये लोग पिकनिक के बदले यहाँ बैठे हैं। सच में कहूँ ना तो दिल को बहुत सुकून मिला, देख कर ही सुकून मिल गया कि इन लोगों ने इतना निर्णय किया कि जीवन में उस पिकनिक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये 2 घंटे हैं। क्योंकि ये मेरा दावा होता है कि इन 2 घंटे बाद ना तुम्हारी सोच का एकाध सॉफ्टवेयर तो ना हम अपडेट कर देंगे,
एका, जैसे पिछली बार अहिंसा का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था ना, सॉफ्टवेयर अपडेट होना क्या आपको मालूम है ना? ना हो तो बच्चों से जाके पूछ लेना, थोड़ा उनके साथ सत्संग हो जाएगा, थोड़ा सा अपग्रेड तो हो ही जाओगे। पिछली बार जैसे अहिंसा का स्वरूप समझा, धर्म का स्वरूप समझा, तो एक इतना तो समझ में आ गया ना, धर्म यानी आनंद, धर्म यानी उल्लास, अहिंसा यानी बोलो बोलो प्रेम। हाँ, तुम लोग भूल जाओगे तो किसी को भी नहीं याद रहेगा, अहिंसा यानी प्रेम। ऐसे ही आज भी कोई एक बात तो ऐसी तुम्हारे भीतर, तुम्हारे सॉफ्टवेयर में, मेंटल सॉफ्टवेयर में फिट हो जाएगी कि धर्म गुप्त वस्तु है। आपने कितने का दान दिया, कितने घंटे ध्यान किया, कितनी यात्राएं की, कितने तप किए, इस अच्छा है, ये सब शावर लेने जैसा है, याद रखना। लेकिन उसके भीतर तुम्हारा अहंकार कितना गिरा, तुम शांत कितने हुए, तुम कितना दरवाजों पर नहीं चिढ़ते, तुम्हारा मौन सच में मौन होता है, मौन के दिन 7 गुना आवाज़ बढ़ नहीं जाती घर में, ये सब तुम्हें अपने भीतर चेक करना होगा। इतना सस्ता सौदा नहीं है ये कि तुम कहो कि 2 बत्ती जला दूँ भगवान के सामने, धूप बत्ती, और वो प्रसन्न हो जाए, इतना सस्ता नहीं है, लेकिन महंगा भी नहीं है। तो जागना आसान है कि मुश्किल नहीं? एक सीधा जवाब दो, क्योंकि दोनों का समन्वय करना है मुझे, क्योंकि आपको खुश करूंगी तो कहेंगे आप नयों की तरफ देखते हो, पुरानों को भूल जाते हो, इनको खुश करूंगी तो आप कहोगे कि हाँ आप लोग तो अपना याद करके आते हो, वही बोल देते हो। धर्म यानी जागना, और जागना आसान है कि मुश्किल? जिसे जागना है उसके लिए आसान, जिसे नहीं जागना उसके लिए बहुत मुश्किल। ये जागना यानी क्या? तुम कहोगे हम तो जाग ही रहे हैं, सुबह 6 बजे के जाग रहे हैं, उसमें भी आज ये सत्संग होता है, उस दिन तो 5 बजे से घंटियां बजनी शुरू हो जाती है। ये जागना नहीं, ये जागना यानी अपने परिणामों के प्रति, अपने भावों के प्रति जागना। तुम कोई भी कृत्य कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? हम किसी भी कृत्य का कभी भी निषेध नहीं करते, लेकिन कोई कृत्य का क्या प्रयोजन है, किसी भी क्रिया का, आपके किसी भी एक्टिविटी के पीछे एक तो आपका प्रयोजन क्या है, दूसरा आपका एटीट्यूड क्या है, ये दोनों चीजें चेक कर लेना। ध्यान करने वाले, बड़े मजे की बात है, तुम लोग कभी ध्यान किया है आप लोगों ने? गुड। ध्यान करने वाले लोगों को एक मूलभूत सूत्र सिखाया जाता है कि वर्तमान में रहो, है कि नहीं? जैसे पूजा करने वालों को, मैंने जैसे बोला ना कि मंदिर जाने वालों के लिए एक मूलभूत सूत्र है कि भगवान का दर्शन यानी गुणों का दर्शन। और एक जड़ में, पत्थर में जब तुम गुण देख लो, तो इतने सारे चैतन्य में, लिविंग फोर्सेस में तुम्हें गुण ना दिखाई दे, तुम अंधे ही हो। सामयिक का अपना कोई एटीट्यूड है, कोई कारण है, मंदिर में जिन बिम का अपना कारण है, 99 बार तीर्थ यात्रा करने का भी अपना कारण है, ऐसे ही ध्यान का भी अपना कारण है कि वर्तमान को साधो। और ऐसे बड़े मजे की बात है, ये ध्यान करने वाले लोग मेरे पास कुछ दिनों पहले आए और आके बोले, हमें एक प्रश्न बड़ा काफी दिनों से ना ऐसे हमें ट्रबल में लेके गया है, एक बात बताओ कि कोई व्यक्ति मर रहा हो, कोई समझ लो एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस व्यक्ति को बचाना चाहिए कि नहीं चाहिए? इनका क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है, बचाना ही चाहिए? तो कहते नहीं नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं, ऐसा किसी शास्त्र में लिखा है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि तुमने बचाया ना, तो उसके बाद वो जितने पाप करेगा ना, सबका जिम्मा तुम्हारे सर पर आएगा। अब ऐसी साइकोलॉजी वाले लोग आते हैं और मेरे पास देखो लॉजिक तो होना ही चाहिए, नहीं तो कहीं पता चले मैं उनकी बात को हाँ कह बैठूं। क्या बोला कि कोई मर रहा हो उसे बचाना चाहिए कि नहीं? समझो कोई हाथी है, तुम्हें लगेगा इंसान के लिए क्या बोल रहे हैं, कोई शेर है वो मर रहा हो तो उसे बचाना चाहिए कि नहीं, कोई चूहे को बचाना चाहिए कि नहीं? कहते नहीं बचा, उन्होंने बोला कि शास्त्र कहते हैं नहीं बचाना चाहिए, क्योंकि यदि तुम उन्हें बचाओगे तो, अजमेर अंकल ऐसा कहीं लिखा है ना कि उनके द्वारा किए गए पाप का भागीदार तुम बन जाओगे, लिखा है शास्त्र में ऐसा। लेकिन अभी तुम उस स्थिति में नहीं पहुंचे कि शास्त्र की एक एक पंक्ति को हूबहू अप्लाई करो, अभी तुम जहां खड़े हो ना बस वहीं से एप्लीकेशन शुरू करो। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा ऐसा क्यों, अगर वो
उसको बचाने से ऐसा होगा, कहते हैं हाँ उसके बाद भविष्य में वो जितने भी पाप करेगा सबका भागीदार तुम्हें बनना पड़ेगा। मैंने कहा तुम्हारा ध्यान तो तुम्हें सिखाता है वर्तमान में रहना, तुम भविष्य की क्यों सोचते हो? तुम्हारे भीतर यदि उल्लास आता है कि इसको बचाना है, तुम्हारे भीतर वीर्य उछलता है कि इसे बचाना है, तुम्हारे भीतर अनुकंप और करुणा उछलती है कि बचाना है तो बचाओ, भविष्य को भविष्य देखेगा। क्या इतने सालों के गहन ध्यान अभ्यास के बाद भी तुम ये नहीं सीख पाए कि वर्तमान को पकड़ो और शास्त्रों के इन ताने बाने में उलझते हो? ध्यान यानी वर्तमान में रहना, वर्तमान में आना। तुम्हारा वर्तमान का भाव है करुणा का, प्रेम का, तुम बचाए बिना नहीं रह सकते। और वही व्यक्ति थोड़े दिनों बाद एक सत्संग में आए, आकर जो भी कुछ बोलते हैं हम लोग, कई बार ये लोग तालियां बजा देते हैं खुश होकर। सत्संग के बाद उन्होंने बोला, प्रभु ने ही बोला उनको कि प्रभु का तो ज्ञान का क्षयोपशम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से किसी विषय को समझाते हैं। तो तुरंत बोले, ध्यान करने वाले हाँ, तुरंत बोले, क्या बोले? पूर्व की साधना है। अरे ध्यान करने वाले तुम वर्तमान में रहो, तुम्हें वर्तमान में किसी के गुण का उल्लास नहीं प्रगटता, वर्तमान में किसी के गुणों को देखकर उल्लास नहीं प्रगटता। उस आदमी को देखकर तुम कहते हो भविष्य के पाप, मुझे देखकर तुम कहते हो पूर्व की साधना, तो तुम वर्तमान में हो कहाँ? मुझे देखकर कई लोग कहते हैं इनकी तो पूर्व भवों की कोई साधना होगी जो इतना अच्छा बोल लेती हैं, इतना अच्छा सब कुछ करा देती है, तुम्हें वर्तमान का कुछ गुण दिखता नहीं, तुम ध्यान के काबिल नहीं। ऐसे लोग 5-5 घंटे ध्यान ना करें, मैं तो कहती हूँ ना करो। तुम पहले गुण देखने की हुनर को सीखो, जाओ मंदिर में, जाओ जिन भीम के सामने, गुण कैसे देखा जाता है ना, पहले उस हुनर को प्रगटाओ, उसके बाद ध्यान की यात्रा पर निकलना। लेकिन सब गड़बड़ कर रखी है हम लोगों ने, क्रम नहीं जानते। और लोगों को क्या धारणा है पता नहीं कि ध्यान करके ना तुरंत कर्म हमारे सारे खत्म हो जाएंगे, ऐसी धारणा डाल रखी है। ध्यान करो भीतर अग्नि प्रकट होगी, सारे तुम्हारे कर्म तहस नहस हो जाएंगे। ऐसा कभी होता है क्या? यदि ऐसा होता ना तो भगवान ने ध्यान को 12 तप में पहला तप दिया होता। भगवान ने ध्यान को कौन सा तप दिया? 12वां, 12th कायोत्सर्ग, वो भी ध्यान शब्द का तो उल्लेख ही नहीं किया, कायोत्सर्ग। अपनी धारणाओं को बदलो। तुम ध्यान के माध्यम से जाना चाहते हो तो वर्तमान में जियो, गलत मार्ग नहीं है, लेकिन धारणा राइट होनी चाहिए। वर्तमान में जियो, ये प्रश्न गिरा दो कि भविष्य में उसके पाप मुझे खाएंगे, या इसकी पूर्व की साधना है इसलिए इतना अच्छा करते हैं। तुम गुण देखने के मार्ग पे हो, यानी तुम मंदिर मार्गी हो, तो एक बात से चलो, तुम्हें सब जगह गुण दिखने चाहिए, तुम्हें सब आत्माओं में परमात्मा नजर आना चाहिए। तुम सामायिक के मार्ग से चल रहे हो, यानी स्थानकवासी हो, अलग अलग संप्रदाय है ना, सामायिक के मार्ग से चल रहे हो, स्थानक के मार्ग से चल रहे हो, तो बस यही बोल लो कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए मेरा मन समान भाव पर, समतल पर होगा। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा, ये नीति है, ये धर्म नहीं है। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ भी अच्छा, इसे धर्म कहा जाता है। तुम कहाँ खड़े हो ये तुम्हें स्वयं निर्णय करना होगा। तुम भक्ति मार्ग से जाना चाहते हो तो भक्ति मार्ग से जाओ। तुम राम के माध्यम से जाना चाहते हो, कृष्ण के माध्यम से जाना चाहते हो, वहाँ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन से मार्ग से जा रहे हो। तुम्हारे भीतर बस ये जो बोध प्रकट हो गया ना कि किसी भी क्रिया को करते समय मैं कहाँ हूँ, मेरा मन कहाँ है, मेरे मन का विचार क्या है, बस ये बोध प्रकट हो गया ना, तुम बुद्ध की तरफ तुमने यात्रा शुरू कर दी। कोई भी क्रिया करते समय तुम्हें निष्काम क्रिया का जो आनंद तुमने स्वाद चख लिया ना, इस निष्काम क्रिया का आनंद का स्वाद चख लिया ना, तुम सच्चिदानंद के मार्ग पर निकल पड़े हो। कोई भी क्रिया करते समय तुम्हारे भीतर से जागरण आ गया ना, जागृति आ गई कि ये नहीं, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा करना है, ये धर्म नहीं, ये नीति है, इनफैक्ट ये अधर्म है, तुम्हें ये निर्णय भी हो जाए ना, समझना तुमने सिद्धत्व की ओर एक कदम आगे बढ़ा लिया। सब कुछ तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम आज का मानव भीतर जागने के बदले बाहर भाग रहा है, और इसीलिए उसे लगता है धर्म बहुत कठिन है, जागना बहुत आसान है, कठिन नहीं है। तुम्हें जागने की इच्छा है कि खाली भागने में मजा आ रहा है? मैं देखती हूँ भीड़ की भीड़, भागने में रस है,
दिखाने में रस है। जैसे इनके लिए बोला ना कि शावर लेकर बेस्ट कपड़े पहन कर आएंगी, मैं देखती हूँ मंदिरों में बेस्ट कपड़े, 10-10 हज़ार के, 20-20 हज़ार के कपड़े, बेस्ट जो शो होता है ना, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? बेस्ट परेड जो होती है ना, फैशन परेड, जिस दिन मंदिर में तुम 18 अभिषेक की घोषणा करो, होती है कि नहीं दिनेश प्रभु? 18 अभिषेक की घोषणा करो, हम जैसे सफ़ेद कपड़ों में जाने वाले तो कोई एक दो होते होंगे, ना सब मिशन के काफ़ी लोग हैं, ये सब सफ़ेद में ही होते हैं, लेकिन पूरी बेस्ट से बेस्ट दिखना है सबको। अरे तुम बेस्ट देखने जा रहे हो, बेस्ट दिखने नहीं जा रहे, ये क्यों भूल जाते हो? पत्थर की प्रतिमा में भी बेस्ट देखने की कला सीख लेना, तो तुम मनुष्य में बेस्ट ना देख पाओ, बेस्ट छोड़ो बेटर गुड ना देख पाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कहीं सूत्र ही उलझ गए हैं, सूत्र ही खो गए हैं, मालूम ही नहीं कि करना क्या है, और निकल पड़े हैं। धर्म के नाम पर इतनी इतनी शिविर अटेंड करी, इतने इतने श्लोक मुख पाठ कर ली। अरे आप लोग मुंबई से आ गए अभी सुबह सुबह की फ्लाइट से, फॉग ने रोका नहीं? हम लोग जयपुर से फ्लाई करके आए तो 2 घंटे लेट, लग रहा था हमें कि सच्चा कार से ही आ जाते, फ्लाइट में आने की ज़रूरत क्या थी, 2 घंटा लेट थे हम लोग, 2-2.5 घंटे, और आप लोग मुंबई से आ गए। भावना है, इसको मैं कहती हूँ, जहाँ तुम्हारे भीतर ये भाव है ना, मुझे सत्संग में कैसे भी पहुँचना है, और रात को वापस जा रहे हैं, खाली एक सत्संग अटेंड करने के लिए भी आ सकते हैं, ये भावना यदि तुम्हारे दिल में है ना, कोई फॉग बाधा नहीं क्रिएट करती, कोई फॉग कभी नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी भावना नहीं है ना, परमात्मा से मिलने की भावना का है, मंदिर में जाते हो पर परमात्मा को देखे बिना शायद और सबको देख कर आते हो, कौन सी आंगी करी, कैसे रंग की आंगी करी, कौन सा दिया जल रहा था, कितनी देर जला, कितने लोग आए कितने लोग गए, सारा नाप तोल हिसाब किताब तुम्हारे पास होगा, लेकिन परमात्मा का एक गुण तुम्हें स्पर्श नहीं किया होगा। ऐसे पहुंचोगे क्या? कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत बहुत छोटी है, कीमत ज़्यादा बड़ी नहीं है। तुम लाखों करोड़ों की बोलियाँ मत लगाना, फिर से गड़बड़ में चले जाओगे। कीमत बस इतनी है कि तुम अपने भीतर के प्रति सजग हो जाओ, और सजग होने से पहले सत्संगों के माध्यम से करना क्या है ये समझ लो। थोड़े दिनों पहले हम भगवान का नवन कर रहे थे, नई नई स्थापनाएं थी, 3-3 स्थापना कलकत्ता में थी, तो हमें लगा चलो भगवान को घर से ही नवन करा के फिर तो ले जाना है, वहाँ जाके तो फिर जो भी होगा वो सब होगा। तो नवन करने बैठे, किससे होता है? दूध से होता है। तो ये दोनों तो शुरू हो गए, पारुल प्रभु नेहा प्रभु दोनों को जो भी सेवा दी जाती है उनके चेहरे पर मौन और स्माइल दोनों चीज़ें इकट्ठी आ जाती है, लेकिन खुशी खुशी उन्होंने तो भगवान के ऊपर यहाँ से सब शुरू हो गए। पास में वो बच्चा खड़ा था, पूजन कहाँ गया, बाहर खेल रहे होंगे, लेकिन ये बच्चे बड़े मज़ेदार हैं, 9-10 साल का बच्चा है, पूजन खड़ा है पास में, मुझे तुरंत प्रश्न, बच्चे जैसा दिमाग चाहिए मुझे, क्यों इनको पानी से नहीं नलाते, इनको दूध से क्यों नला रहे हो भगवान को, क्यों दूध से? लो, इन दोनों ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि भगवान का नवन दूध से क्यों कराया जाता है, पानी से नहीं। लेकिन वहां तुरंत प्रश्न उठा, कभी प्रश्न उठा कि भगवान का नवन दूध से क्यों, पानी से क्यों नहीं? वो बच्चा खड़ा खड़ा हमारी ये क्रिया देख रहा था ना, तुरंत पूछ बैठा, मासी इसका ऐसे क्यों नहीं, हम पानी से क्यों नहीं नला रहे इन्हें? उत्तर देना पड़ता है, जब प्रश्न आता है ना तो उत्तर आता है। आपके मंदिरों में ना, या आपके स्थानकों में, या आपके सत्संगों में आपको उत्तर नहीं मिलेंगे, क्योंकि कभी प्रश्न ही नहीं उठे। जहाँ प्रश्न उठेंगे ना वहाँ उत्तर मिलेंगे। तो उस पूजन ने जब पूछा कि इसको क्यों दूध से नलाया जाता है, तो उसे समझाया कि भगवान कौन है, हमारे जैसे हैं कि हमसे बड़े हैं? बोला हमसे बड़े हैं। हम किससे नहाते हैं? उसने बोला पानी से। मैंने कहा तो जो हमसे ऊँचे हैं उन्हें भी क्या पानी से नलाओगे? उनके लिए कुछ दूसरी व्यवस्था की है, खाली तुम्हें इस बात का बोध दिलाने के लिए कि ये तुमसे बहुत ऊंचे हैं, बस इस बात का तुम्हें स्मरण कराने के लिए कि भगवान की दशा उजली है दूध की तरह, तुम्हारी तरह नहीं। भगवान की दशा दूध की तरह उजली है इसलिए ये जो हो रहा है ये सब दूध से हो रहा है, और उसके बाद लेकर हमने जो यूं करते हैं ना, छूते हैं, ये सब किया, तो बोला ये सब क्यों, वो तो ना लिया सारा भगवान ने,
इन्होंने नहीं पूछा प्रश्न, लेकिन वो बच्चा खड़ा ना, उसने पूछा कि यहाँ पर ये सब लेकर यहाँ हाथ लगाना और यूं करना, ये सब क्या? मैंने कहा क्यों, भगवान को न लाया तो भगवान में क्या है? कोई विकार है? कोई दोष है? कोई अवगुण है? क्या है भगवान में? खाली वितरागता है, गुण के गुण है, कोई वासना नहीं, कुछ नहीं। तो जिसके ऊपर से, जिसका स्पर्श करके दूध निकला है, उसमें खाली गुण 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 है। तुम नहाते हो तो देखोगे नीचे सारा काला काला पानी निकलता है ना, देखते हो कि नहीं? बेशक पूरा दिन एसी में बैठे हो, लेकिन फिर भी नहाओगे तो काला पानी निकलता है कि नहीं तुम में से? जो तुम्हारे मन में, तुम्हारे शरीर में जितनी भी मलिनता है, वो पानी के साथ निकलती है। और भगवान जब नहाते हैं तो क्या निकलता है? गुण निकलते हैं, निर्दोषता निकलती है, वीतरागता निकलती है। तुम उस वीतरागता को लेकर यहाँ पर लगाते हो और यहाँ पर लगाते हो, कभी सोचा ही नहीं। जब तक इस गहराई से सोचना न शुरू करोगे, तब तक लाख दर्शन कर लो भगवान के, करोड़ दर्शन कर लो। अरे उठा के तुम्हें इंद्र किसी मेरु पर्वत पर भी ले जाए ना, तो भी वहाँ से भगवान बहुत खूबसूरत है बोलकर वापस आ जाओगे। भगवान बनने का ढंग क्या है, कीमिया क्या है, ये कभी भी ना जान पाओगे। और ये जीवन तुम्हें मिला किस लिए है? भगवान बनने के लिए कि भगवान को पूजने के लिए? पहले ये क्लियर कर दो, बहुत बड़ी डिमांड कर दी। ये जीवन तुम्हें मिला किस लिए है? पूरा टाइम बचपन से लेकर 60, 70, 80 तक भगवान के आगे धूप बत्ती घुमाते रहोगे, या भगवान बन भी जाना चाहते हो? मनुष्य जीवन दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि इस जीवन में वो पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि तुम मनुष्य रहते भगवत्ता का अनुभव कर पाओगे अपने भीतर। मनुष्य जीवन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों बताई है शास्त्रों में? तुम मनुष्य रहते भगवत्ता का अनुभव कर पाओगे अपने भीतर, इसलिए जीवन इंपॉर्टेंट है। लेकिन तुम लगे हो भगवान को पूछने, लगे हो शावर लेने जैसा है, सुंदर कपड़े पहनने जैसा है, हीरे की चूड़ियां डालने जैसा है। असली बोध तो वहां शुरू होता है जहां एक गुण भी तुम्हारे भीतर आ जाए। और एक गुण जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रेम। और इसलिए हम लोग इस बार वैलेंटाइन डे बना रहे हैं, तुम्हें मालूम है ना? वैलेंटाइन डे बन क्यों रहा है? क्योंकि भगवान को समझने का अनुभव करने के लिए एक गुण है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है प्रेम। तुमने चाहे बिखेर दिया उस प्रेम को भौतिक संबंधों के साथ, लेकिन यही प्रेम जब किसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, किसी आध्यात्मिक टर्न के साथ, अपने साथ या अपने परमात्मा के साथ किया जाता है, तो जीवन में मुक्तता का अनुभव हुए बिना नहीं रहता। वैलेंटाइन डे यानी प्रेम का दिवस, प्रेम दिवस है कि नहीं? बाहों में बाहें डालकर ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं? सत्संग में मालूम नहीं, ऐसे घूमना बाहों में चलता है ना? अरे जब मुझे 70 इयर्स 60 इयर्स वालों का सिग्नल मिल जाता है ना, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डॉक्टर भारद्वाज मुझे स्कूल छोड़ने आया करती थी, इज़न्ट इट? मैं यहीं पढ़ती थी कुलाची हंसराज में, स्कूल में छोड़ने आया करती थी ये मुझे। और वही लोग आज सत्संग में यूँ नीचे बैठे हैं, वही लोग। ये रीना प्रभु मेरी आईब्रोज बनाया करती थी, झूठ की कोई छुपाने की बात तो नहीं, मेरी आईब्रोज बनाया करती थी उस टाइम पर। भाई हमारा भी समय था, हम भी छोटे रहे होंगे कभी, तो उस समय के जो शौक थे वो उस समय के थे। ये लोग मेरी जो जो से जो कैसेट्स चलती थी ना, उससे परेशान हो जाते थे। पूरा दिन रॉक एंड पॉप चलता रहता था, चलता था कि नहीं? ये बा जो है ना बेचारी दुखी हो जाती थी, कई बार मम्मी को आके बोलती थी बोलो थोड़ा धीरे बजाया करें, नीचे हम लोग सो नहीं पाते। और यही लोग जब सत्संग में बैठते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि इन लोगों की दृष्टि में कुछ भेद आया है। उन्होंने वो लड़की का विस्मरण करके कोई दशा को देख लिया है, दशा को देखा है, इसलिए आज तुम लोग यहां बैठे हो। दशा को देखे बिना नहीं बैठ सकता। तो बाहों में बाहें डाल के घूमने का दिन, प्रेम करने का दिन, लेट नाइट डिनर करने का दिन, ऐसा होता है ना वैलेंटाइन डे, मतलब लेट नाइट डिनर्स वगैरह सब अलाउड। तो लेट नाइट भक्ति अलाउड है कि नहीं? हमारे शास्त्रों में कहीं मना है? इसीलिए शाम का प्रोग्राम रखा है, क्योंकि जैसे जैसे मैंने सुना है, ऐसा थोड़ा थोड़ा अनुभव भी है, जैसे जैसे शाम होती है ना, प्रेम का रूप और विकसित होता है, ऐसा होता है कि नहीं? जैसे जैसे अंधकार छाता है, सूर्य ढलता है, वैसे वैसे प्रेम और प्रगाढ़ होता है। कामी व्यक्ति कुछ और भी सोच सकता है,
लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति का प्रेम भी शाम होते होते ना प्रगाढ़ होने लगता है। देखते हैं इस वैलेंटाइन डे के इस प्रेम के सत्संग के अंदर तुम परमात्मा के कितने निकट आते हो, और देखना, ज़रूर सुनने आना कि इस प्रेम शब्द के माध्यम से जो आज तक आप लोगों के लिए खाली वासना था, आज तक आप लोग प्रेम अरे रे रे पाप, तुम लोगों को प्रेम यानी पाप लगता था, लेकिन प्रेम जितनी पवित्र वस्तु हमारे पास कुछ है ही नहीं। क्या दोगे परमात्मा को पैसा, क्या दोगे परमात्मा को वस्तुएं, तुम्हारे पास है अशुद्ध प्रेम। उसी अशुद्ध प्रेम को हम लोग एक ऐसी मशीन में से निकालेंगे उस दिन वैलेंटाइन डे की, कि वो अशुद्ध में से शुद्ध हो जाएगी। और उस शुद्ध प्रेम को धरो, प्रेम को धरो, और परमात्मा की ओर से जवाब ना आए ऐसा कभी होता नहीं। चाहे गौतम हो, चाहे मीरा हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, कोई भी हो, प्रेम के बिना पूर्णता की यात्रा शुरू ही नहीं होती। इसलिए अगले सत्संग में खाली प्रेम, प्रेम की बात, और वो प्रेम आपके सबके पास है, बस अशुद्ध है, उसे शुद्ध करना और फिर चल पड़ो। धर्म वस्तु बहुत बहुत गुप्त रही है, ये बाह्य संशोधन से मिलने वाली नहीं है। तुम्हें लगे इतने लोग सत्संग में हैं, आज तो बैठने की जगह नहीं है पीछे, तुम्हें लगे इतने, अब पीछे मुड़ के मत देखो, ये क्यों गर्दनें पीछे मुड़ती है, ये बताता है कि मेरी बात पर विश्वास नहीं है। बहुत गहरे में छुपे हैं अहंकार और अविश्वास, बहुत गहरे। यदि एक बार मैंने बोला कि पीछे बैठने की जगह नहीं और पीछे मुड़कर ये जो घूम रही है गर्दन है, इट शोज, देखो किसी की घूमी और किसी ने सोचा ऐसा है भी कि नहीं, बाद में देखेंगे। इस अविश्वास के साथ तुम चाहे अरिहंत की कितनी भी धुन गा लो, लेकिन इस अविश्वास के साथ तुम परम के साथ मैत्री ना कर पाओगे। तुम्हें किसी एक के ऊपर भरोसा करके इस अज्ञात में छलांग लगानी होगी। अज्ञात में छलांग लगाने जैसा है, तुम्हारे भीतर छलांग लगानी है। अनेक ढंग है, सत्संग तो शुरुआत है, भक्ति भूमिका बनाती है, तो सत्संग तुम्हें समझाएगा कि धर्म बाहर नहीं भीतर है। आज के सत्संग में कम से कम एक बात को दृढ़ कर लिया जाए कि धर्म वस्तु बहुत गुप्त रही है। बाहर लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो धर्म में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती कि वो धार्मिक नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। उनको अपने परिणामों को, अपने भावों को स्वयं चेक करना होगा। धर्म का सारा संबंध तुम्हारे भाव से है, तुम्हारी क्रिया से नहीं है, तुम्हारी प्रकृति से है, तुम्हारी प्रवृत्ति से नहीं है, तुम्हारे एटीट्यूड से है, तुम्हारी एक्टिविटीज से नहीं है। आप कौन सी एक्टिविटी करते हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा के सामने एक फूल भी धरते हो, फूल भी धरते हो, तो भाव क्या है, भाव क्या है, फूल भी धरते हो तो भाव क्या होना चाहिए ये नहीं पता। एक तो परमात्मा की वस्तु लेके परमात्मा को धर रहे हो, पहले तो हम यहीं इतने निकम्मे हैं। फूल हमारे घर में कौन सा उगा है, बाहर से कहीं से लेके परमात्मा को धरा, या चलो घर में भी उगा, तो वो फूल उगाने की क्षमता तुम में या मुझ में है? प्रकृति ने स्वयं ने वो फूल उगाया है, और वही प्रकृति की वस्तु तुम परमात्मा को अपनी कह के दे रहे हो, ये धोखा किससे हो रहा है? अपने से परमात्मा को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो तुम्हें, तुम धोखा करो कि उनकी दलाली करो, परमात्मा खुश बैठे हैं, और इसीलिए वो परमात्मा है। यदि उन्हें भी कुछ फर्क पड़ने लगे ना, तो वो परमात्मा नहीं। फूल धरते धरते बस भीतर यही भाव होना चाहिए कि इस फूल जैसी कोमलता मेरे हृदय के अंदर प्रकट करो। मैं जैसे जड़ प्रतिमा के अंदर परमात्मा देख पा रहा हूँ, गुण देख पा रहा हूँ, वैसे चलते फिरते परमात्माओं में परमात्मा देख सकूँ, ऐसी हृदय की कोमलता दो। ये सौदा करना होगा, इस सौदे के बिना ये यात्रा तुम्हारी आगे ना बढ़ पाएगी, कभी भी ना बढ़ेगी। ये निर्णय करना होगा कि फूल धरने के समय भाव क्या होना चाहिए, और ना पता हो तो हमसे पूछना। दीपक जलाते हो, क्यों जलाते हो? कितनी पूजाएं की, कितनी बार थाल सजाए, दिए जलाए, दिए के अंदर ज्योत जलाई, लेकिन उस ज्योत में कभी तुम्हारा अहंकार भस्म नहीं हुआ, इसका भान कौन रखेगा? कितने ज्योत जलाए, कितने दिए, लेकिन तुम्हारा अहंकार इस प्रकाश में जला के नहीं, भस्म हुआ के नहीं, कौन देखेगा?
कोई परमात्मा आकर नहीं देखेगा, कोई सत्पुरुष आकर तुम्हें जगाने की कोशिश करेगा, जागना तो तुम्हें पड़ेगा। और जिसे नहीं जागना ना, इस ठंड में कहाँ वैसे भी मन करता है जागने का, नहीं जागना वो कैसा रजाई में पड़ा रहता है। जिसे जागना है ना, वो अलार्म की टू टू पे भी जाग जाएगा, और जिसे नहीं जागना ना, उसको यूं यूं भी कर दो ना तो भी नहीं जागेगा, उल्टा रजाई ओढ़ के सो जाएगा। ऐसा है, तुम्हें जागना है तो एक सत्संग एनफ, एक सत्संग बहुत है। लेकिन यदि तुम्हें नहीं जागना तो कोई आ आके ऐसे तुम्हें जगजोर के भी जाए ना, कई बार ये सत्संग बड़े भारी पड़ जाते हैं। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना, वैसे तुम्हें लगेगा आए हैं तब से कितना डांट रहे हैं, लेकिन मैं शायद कुछ समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ, तो अब थोड़ा कोमलता से समझाऊँ, ऐसा रखूँ, चलेगा जैसा है चल रहा है फ्लो, ठीक है। आप लोगों के चेहरे इतने स्तब्ध हो गए हैं ना कि मुझे लग रहा है कि कहीं ऊपर से तो नहीं जा रहा, समझ आ रहा है कि नहीं। दिया भी जलाते हो तो उस दिए का भी काम इतना ही है कि तुम्हें इस बात का जागरण दे कि मेरा अहंकार इसमें नष्ट होना चाहिए, या इस प्रकाश के साथ मुझे अपनी यात्रा आगे तक तय करनी है। तुम कुछ भी करते हो, तुम वंदन करते हो, नमन करते हो, प्रदक्षिणा करते हो, कभी प्रदक्षिणा के बारे में सोचा, क्यों प्रदक्षिणा करते हो? तीन चक्कर लगाए कोलू के बैल की तरह और बाहर आ गए, बात खत्म। कोलू के बैल की तरह तीन चक्कर लगाए और बाहर आ गए, क्या कभी भाव किया? एक घंटा सुबह का मंदिर का एनफ था, एक घंटा सुबह का सामायिक का एनफ था, एक घंटा सुबह के ध्यान का एनफ था कि पूरे दिन तुम्हारी यात्रा सरकती सरकती परमात्मा तक पहुंचती। लेकिन तुमने उस एक घंटे में इतना इन्वेस्ट ही नहीं किया, इनफैक्ट यू वेस्टेड इट। जो इन्वेस्टमेंट उस एक घंटे में करना चाहिए था वो उस ढंग से हुआ ही नहीं, तुम बार बार उसमें से विड्रॉ करते हो, तुम्हारा मन वहाँ है नहीं, तुम्हारा मन इधर भटकता है उधर भटकता है। तुम FD के अंदर पैसा जब डिपॉजिट करते हो, फिक्स डिपॉजिट में ऐसा होता है कुछ, तो उसको बार बार विड्रॉ करोगे तो वो तुम्हारा अच्छे से बन जाएगा, अकाउंट तुम्हारा प्रॉपर रहेगा क्या? नहीं। क्या करना होता है? FD में डिपॉजिट करके 5 साल तक भूल जाओ, बस तो तुम्हारा पैसा दुगुना होगा। परमात्मा में भी एक बार इन्वेस्ट करके भूल जाओ पूरी दुनिया को, एक घंटे के लिए खाली, 5 साल नहीं। फिर तुम्हारे दिन का नृत्य, तुम्हारे आँखों की मस्ती, तुम्हारे चेहरे की चमक क्या होती है ना, तुम्हें आईने में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे लोगों के चेहरों से तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन इसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। भागना धर्म नहीं है, जागना धर्म है। चोट लगती है लोगों को जब मैं कुछ ऐसा बोलती हूँ, क्योंकि वर्षों से भाग रहे हैं लोग, अचानक उन्हें बोल दिया जाए कि भागना धर्म नहीं है, जागना धर्म है। आँख खोलो, देखो, तुम जहाँ भी जा रहे हो जाओ, लेकिन तुम्हारे भीतर का परिणाम क्या है उसे चेक करो। भक्ति सुनकर कोई रो रहा है तो मैं तो कई बार कहती हूँ कि वो रोने से ये मत समझ लेना कि बहुत अच्छा भक्त है ये, हो सकता है उस दिन उसकी सुबह काम वाली ना आई हो। वाई नॉट? भक्ति सुनकर कोई रो रहा है, या फिर ये इस तरफ भी लोग ऐसे ऐसे आते हैं, रोते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं, तो ऐसा देखकर ये मत समझ लेना कि बहुत भाविक है, हो सकता है कल ही कोई बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हुआ हो। आप जानते हो कि ऐसा होता है कि नहीं? कई बार आपको भी रोना आता होगा, लेकिन भीतर कारण कुछ और चल रहा होता है, हे भगवान इस परिभ्रमण से अब बचाओ। क्यों? कितनी टेंशन है काम वालियों की दिल्ली में, ये आती नहीं, इस परिभ्रमण से बचाओ, क्योंकि हर जगह नुकसान नुकसान नुकसान, जहां इन्वेस्ट करो नुकसान। तुम्हें एक्चुअली नुकसान से बचना है, तुम्हें परिभ्रमण से नहीं बचना। तुम्हें एक्चुअली हर तरह का पुण्य का उदय चाहिए, तुम्हें परमात्मा नहीं चाहिए, क्योंकि जिसे परमात्मा चाहिए वो इन छोटे छोटे विकल्पों में अटकता ही नहीं है। ध्यान करने वाले लोग आज ना सब कुछ, सारी बातें चल रही है, क्योंकि श्रीमन ने बोल दिया धर्म वस्तु बहुत गुप्त है, और धर्म के नाम पर आप क्या क्या कर रहे हो, मंदिर जाते हैं, आपका जाना कितना व्यर्थ है, आपको समझ में आ गया? हाँ कि ना, हाँ कि ना? जिन्होंने पूरा सत्संग सुना उन्हें समझ में आया होगा कि मंदिर में जाकर अभी तक हमें भगवान नहीं मिले। और हाँ, प्रदक्षिणा की आखिरी बात कर लूँ, आपको लगता है प्रदक्षिणा यानी 3 टाइम घूम कर वापस आ जाना, नहीं, प्रदक्षिणा का अर्थ होता है प्रदक्षिणा। अब आप परमात्मा को कुछ देने जा रहे हैं, परमात्मा को दक्षिणा,
प्रदक्षिणा, परमात्मा को, प्रभु को दक्षिणा कुछ देने जा रहे। क्या दोगे उसको? भीतर से तो मैं तो मांग रहे थे उसे सब कुछ, और बाहर आते आते फाइनल जब बाय बाय होता है ना, वो आप लोग बॉम्बे से निकलोगे तो फाइनली बच्चों ने बाय बाय किया होगा, फाइनल बाय बाय में अब आप भगवान को कहते हो अब मैं कुछ दे के जाता हूँ। दक्षिणा प्रभु को कुछ देने की बात है, और प्रभु को एक प्रॉमिस देकर आते हैं, क्योंकि देखो फूल चढ़ाया तो वो तुम्हारी प्रकृति का, दीप जलाया तो वो अग्नि भी तुम्हारी प्रकृति की, झुका तो ये शरीर भी अब समर्पित, कुछ भी मेरा नहीं, तो फाइनली मैं सोचता हूँ कि एक प्रॉमिस दे के जाऊँ भगवान को। और वो प्रॉमिस क्या देता है कि भगवान आज के इस दिन के लिए आप मेरे जीवन के केंद्र रहेंगे, आपकी आज्ञा, आपके गुण, आपकी दशा, आपकी स्थिति, ये सब मेरे जीवन के केंद्र में रहेगा, सेंटर में, और मैं उसके आसपास चक्कर लगाऊंगा। ये है प्रदक्षिणा। ये तुम भगवान को देने के लिए, इस कमिटमेंट तक पहुंचने के लिए, उससे पहले की सारी प्रक्रिया थी, फूल चढ़ाना, घंट बजाना, तिलक लगाना, जो भी प्रक्रिया तुमने की इस प्रदक्षिणा तक पहुंचने के लिए, इस प्रॉमिस तक पहुंचने के लिए। और ये तुम्हें समझाएगा कौन? एक सत्संग। फिर भी पूरी दुनिया मुझे समझ नहीं आती ये पैसों के पीछे क्यों भागती है, पैसों के पीछे हर कोई। वैसे आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, इसलिए नहीं कि इतने सारे लोग हैं, अब पीछे मुड़के मत देखना, इसलिए नहीं कि इतने सारे लोग हैं, लेकिन आज मुझे खुशी इसलिए है कि आज इतने सारे लोगों ने सोने के बदले, संडे सोने के बदले सत्संग को इम्पोर्टेंस दी, आज इसलिए मुझे खुशी है। लेकिन मंडे होते ही ये लोग पैसों के पीछे भागेंगे। एक नोट दोगे मुझे? कोई है 500,000 का कोई नोट? मैं तुम्हें सही सही बात बताऊं, ये कैलकटा का नोट है, इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं है? ये लोग कैलकटा से आए, आइए सत्संग के लिए, अगले महीने शिविर है, तुम लोग आज किस लिए? नहीं नहीं आ गया प्रभु, आ गया, ये दिल्ली का ले रहा। अच्छा अच्छा लाओ, एक मुंबई का भी लाओ जरा। बहुत सब तनाव में आ गए थोड़ा, अब जल्दी प्रभु ने तो ध्यान मिस हो जाएगा। और भी कोई आज यूएस लंदन वाले कोई नहीं है? डॉलर भी आ जाता तो भी देख लेते हैं आजकल, वापस ले लेना, कहीं तुम्हें लगे इस तरफ पैसे इकट्ठे करते हैं, ऐसी कोई स्कीम नहीं है यहाँ, ये कोई जिन जिन के नोट है सब वापस ले लेना। इस नोट पर ना लिखा है एक चीज बहुत बढ़िया लिखी है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 500 रुपीज, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। और कौन लिख रहा है ये? गवर्नर, गवर्नर की ओर से ये आया, डिक्लरेशन है इस नोट के ऊपर, सभी के नोट पर होगी, आपके कैलकटा में भी है, मुंबई में भी है। मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, और डिक्लेयर कौन कर रहा है? गवर्नर, यानी द हाईएस्ट पोस्ट, हाईएस्ट पोस्ट जो भी अभी हम ले सकते हैं, जिसके पास से ये आरबीआई का सारा कामकाज चलता है, वो केवल ये 500 रुपए देकर आपको सजग कर रहा है, डिक्लरेशन कर रहा है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। वो कहीं नहीं लिख रहा ऐसा कि इन 500 रुपए से खुशी देने का, सुख देने का, शांति देने का, मस्ती देने का, आनंद देने का मैं वचन देता हूँ। ये मूर्खता हमने पाली है, ये मूर्खता हमने पाली, और सत्संग तुम्हें ये वचन देता है, एक सत्संग तुम्हें ये वचन देता है कि मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मस्ती दूंगा, शांति दूंगा, भक्ति दूंगा, समझ दूंगा। एक सत्संग जब इतनी इतनी कमिटमेंट दे रहा है, फिर भी लोग सत्संग के पीछे नहीं भागते, मंडे टू संडे या मंडे टू सैटरडे इसके पीछे भागते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? बेवकूफ बोलो तो थोड़ा चोट लगे ना,
जरा चोट लगेगी ना तो काम शुरू होगा। और ये बड़ी मीठी मीठी चोट है, ये पैसा तुम्हें खाली 500 रुपए, गवर्नर खुद कहता है कि आई प्रॉमिस द बेरर टू पे द सम ऑफ 500 ओनली, ओवर 500 रुपए ही दे रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारी कल्पना है कि ये 500 के आगे 4 जीरोज और लगेगी ना तो सुख आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, मस्ती आ जाएगी, अपना रुवाब बढ़ जाएगा, ये सब तुम्हारी मिथ्या धारणाएं हैं। मेरे पास तो 500 भी नहीं थे, मुझे मांगने पड़े ना सबसे, लेकिन मेरा आनंद, मेरी शांति, मेरा रुवाब, कितनी देर से डांट रही हूँ तुम लोगों को, सब कुछ अलग है कि नहीं? ये महावीर के मार्ग का उपासक है ना, इसलिए आनंद में है। ये परम के मार्ग को जाना है ना जिसलिए, इसलिए आनंद में है। ये पैसों के पीछे नहीं, परमात्मा के पीछे भाग रहा है ना, इसलिए आनंद में है। एक बार कोशिश करके तो देखो, जन्मों जन्म का तो छोड़ो, इस जीवन के 50 साल तो तुमने इसके पीछे गमाए, जब ये खुद गवर्नर डिक्लेयर कर रहा है कि खाली क्या दूंगा तुम्हें, 500 रुपए, फिर उसके पीछे सुख शांति आनंद वानंद, वो कोई मेरा कमिटमेंट नहीं है, ये तुम्हारी अपनी मूर्ख धारणाएं हैं। लेकिन सत्संग, परमात्मा का वचन, उनकी वाणी ये कमिटमेंट देता है कि एक बार मेरे मार्ग पर आओ तो मैं सुख शांति समृद्धि आनंद भक्ति मस्ती नाच, दिन आए चाहे जाए, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। लेकिन भरोसा नहीं होता। लंदन वालों को बहुत जल्दी भरोसा हो गया, मुझे तो आश्चर्य है लंदन वालों के ऊपर। हम लोग तो US जा रहे थे वाया लंदन, खाली एक ब्रेक लेना था, उन्हें YouTube पर सत्संग देखकर भरोसा हो गया कि आनंद का मार्ग कहीं इनके थ्रू होते हुए जाएगा। लेट्स गिव अ ट्राई, ट्राई दे रहे, हमने कौन सा कमिट किया। लेकिन 3 दिन के शिविर आयोजित कर डाली कि नहीं लंदन के अंदर, 3 दिन के शिविर। आप US जा ही रहे हैं, लंदन होके जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर शिविर करो। लेकिन ज्ञानी कहते हैं पास वाले चूकते हैं, दूर वाले पा जाते हैं, और ऐसा मैं देख पा रही हूँ। जितना जितना US निकट आ रहा है, मैं देख रही हूँ पास वाले दूर होते जा रहे हैं। चूकता है इंसान, और चूकेगा, ज़रूर चूकेगा। आप लोगों जैसी दृष्टि सबके पास ना होगी कि अभी तो स्कूल छोड़ने जाते थे, अभी तो घूमती फिरती रहती थी, अभी तो खाली जोर जोर से सुनती थी, लेकिन दशा दिख गई इसलिए सारी सोच बदल गई। वहाँ पर भी लोग समझने लगे कि आनंद का मार्ग उन्होंने बहुत विकास कर लिया। आप लोगों से ज़्यादा ही विकसित देश है कि नहीं? इंडिया से ज़्यादा विकसित देश है, लंदन है, US है, लेकिन उन्होंने भी निर्णय कर दिया, हाथ ऊँचे कर दिए कि नहीं, आनंद पैसों में नहीं, आनंद इन पब और शब में नहीं है, डिस्कोस में नहीं है, आनंद इस लूटपाट में नहीं है, आनंद कहीं और है। हम ये निर्णय करने में अटक रहे हैं, और जितना अटकोगे उतना भटकोगे। सत्संग तुम्हें निर्णय कराएगा, भक्ति भूमिका बनाएगी, और ध्यान तुम्हें अनुभव कराएगा। सत्संग तो मैं इतना ही कहती हूँ, एक मेन्यू कार्ड जैसा है। मेन्यू कार्ड में जैसे बहुत सारा कुछ लिखा होता है ना, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, जैन, नॉर्थ इंडियन, सारा लिखा है, ऐसे सत्संग में सारी चीज़ों की बस वेराइटीज़ लिखी है। आप मंदिर में जाते हो, ओके, ये वेराइटीज़ है। आप स्थानक में जाते हो, ये वेराइटीज़। आप कृष्णा को मानते हो, ये बात है। आप कंजी स्वामी वाले हो, तो आपकी ये सारी बातें हैं। बस सत्संग के अंदर तुम्हें खाली हर बात की हर वेराइटीज़, हर चीज़ बताई जाएगी, लेकिन उसे एक्सपीरियंस कैसे किया जाता है, उसके अनुभव तक कैसे पहुँचा जाता है, ये तुम्हें सिखाएगा ध्यान। और इसलिए आज के सत्संग के बाद मेरी भावना है, थोड़ी देर हम ध्यान करें। अब सीधे टटार मत बैठ जाना, पहले से नहीं, पहले समझो ध्यान क्या है। अक्सर जो किसी ने ध्यान कभी किया है पहले, कोई हाथ खड़ा करेगा, ध्यान किया है? एक बार भी किया हो? कभी भी नहीं? गुड, ओ सो ग्रेट, वेरी गुड। प्लीज, इन्हीं लोगों से मैं बात कर रही हूँ, तो फिर बाकी सब कानों में उंगलियाँ डाल सकते हैं। ध्यान कि प्रथम भूमिका है, देखो समझना तो सब कुछ सत्संग में पड़ेगा कि ध्यान भी क्यों, तो वर्तमान में आने के लिए। मंदिर क्यों? गुणों को देखने के लिए। सामयिक क्यों? संभाव में आने के लिए। ध्यान की प्रथम भूमिका क्या होती है? श्वासों श्वास को देखना है कि नहीं? श्वासों श्वास को देखना। श्वासों श्वास को आप, श्वासों श्वास होते क्या है? अंदर गई, दैट इज ऑक्सीजन, और बाहर आई कार्बन डाइऑक्साइड। तुम इसे देख सकते हो क्या? तो श्वासों श्वास को देखना क्या है, कभी पूछा जाके? श्वासों श्वास को देखना यानी क्या?
तुम्हें मार्गदर्शक कहते हैं कि श्वास देखो, ऑक्सीजन अंदर जाते तुम देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, आप देख सकते हैं क्या उसे? प्रश्न उठाओ, जो बोल रहा है वो बहुत राइट है क्योंकि उसे लगता है कि तुम समझ गए, लेकिन तुम नहीं समझे, नहीं समझे तो प्रश्न उठाओ कि ऑक्सीजन तो आंखों से दिखता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड दिखता है आंखों से? तो फिर श्वासो श्वास को देखना यानी क्या? कोई जवाब देगा ध्यान करने वाला? हाँ जी, अच्छाई को अंदर ले जाना, बुराई को बाहर फेंकना, और फील करना। तुम्हें फील होती है, महसूस होती है, श्वास भीतर जा रही है, हवा यहाँ फील होती है? काफी सालों के अभ्यासी लगते हो आप। हाँ जी, सो हम आती है आवाज, आती है बिल्कुल। तो फिर आप काफी सालों के अभ्यासी हैं, आप प्रथम भूमिका को क्रॉस कर चुके हैं। आगे जाके दिस इज जस्ट द बिगनिंग स्टेप, क्योंकि मुझे लोग आकर पूछते हैं श्वास देखना क्या, और वो भी काफी सालों के अभ्यासी पूछते हैं, इसीलिए मुझे ये प्रश्न यहाँ सभा में उठाना पड़ता है कि श्वास देखना यानी क्या? जानना किसे जानोगे? भीतर तो मन में संकल्प विकल्प का तूफान नहीं चलता क्या? आपको आंख बंद करके यूं बिठा दूं तो भीतर विचारों का तूफान ओवर? इनफैक्ट यू विल रियलाइज कि द मोमेंट यू विल क्लोज योर आइज और तूफान बढ़ जाता है। वैसे बताऊं ये बढ़ता नहीं है, ये था ही, लेकिन अब तुम उसे जान पाते हो कि ये तूफान इतना ज्यादा है भीतर। उस समय क्या करना है? आज हम केवल एक राउंड कराएंगे ध्यान का, 10 मिनट का छोटा सा राउंड, एकदम प्रायोगिक भूमिका, बिल्कुल प्राथमिक भूमिका। उस भूमिका में भी हम काम तो आपको यही करने को कहेंगे कि श्वास भीतर और श्वास बाहर, लेकिन श्वास नहीं दिखता इस बारे में सजग रहना आप लोग। और ये जो भी कल्पना हो, अच्छाई अंदर जाए बुराई बाहर आए, या ये नाद आए या ये आए, ये सारा बहुत अल्टीमेट स्टेज में जाके होता है, लेकिन प्राथमिक भूमिका में क्या करना है तुम उसको मत चुको। प्राथमिक भूमिका के अंदर ध्यान भी बहुत गुप्त वस्तु है, ये समझ लेना। ये प्रगट में तुम आंख बंद करके यूं बैठ जाते हो, ये ध्यान है क्या? आज की डेफिनेशन से तुम खुद जानते हो तुम्हारा मन कहाँ था, तुम स्वयं जानते हो कितने विचार और कितने विकार तुमने इस एक घंटे के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए अपने भीतर। ध्यान भी बहुत गुप्त घटना है, वो घटना जहाँ मन एकदम मध्य में है, न भूत में न भविष्य में, न क्रोध में न क्षमा में, न विचार में न निर्विचार में, बिल्कुल बीच में एक ऐसी तुला पर आकर खड़ा रह गया है जहाँ सब कुछ सहज है, और इस तुला से, इस सहजता से परमात्मा में प्रवेश पाया जाता है। एक्सपीरियंस करने के लिए ध्यान चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस क्या करना है इसे समझने के लिए सत्संग भी चाहिए। सत्संग के बिना, भक्ति की भूमिका के बिना सीधे ध्यान में भागते लोगों को मैंने सोते देखा है। मैं सब बोलूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने सोते देखा है, और 4 घंटे सो के जब उठते हैं और उनसे पूछे कैसा ध्यान हुआ, इतने लोगों की भीड़ में बेचारे बोल नहीं पाते कि अच्छा नहीं हुआ, बड़े ताज़े हो गए, बस इतना बोलते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि उनकी ताजगी ध्यान में से नहीं, नींद में से आई है। ध्यान भी बहुत गुप्त वस्तु है। तो जब तुम्हें श्वासों श्वास देखने को कहा जाता है, तो अभी आप कौन से स्तर पर हैं? शरीर के स्तर पर। श्वास देखना यानी शरीर में हुए हलचल को, फेरफार को फोकस करके देखना। श्वास भीतर जाता है तो आपका पेट फूलता है, एक्सपैंड होता है, और श्वास बाहर आता है तो आपका पेट सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। प्राथमिक भूमिका में इसे देखना, फूलते हुए पेट को और सिकुड़ते हुए पेट को देखना, इसे कहा जाता है श्वासोश्वास का देखना प्राथमिक भूमिका में। जो बहुत आगे पहुंच गए उनके लिए बात नहीं है, लेकिन आई बिलीव कि हम फर्स्ट से ही शुरू करें कि आगे का कराऊं, फर्स्ट से शुरू करें कि सीधा आगे का कोई स्टेप ले जाए? फर्स्ट, इट इज़ ऑलवेज कंपल्सरी। और बहुत अच्छा है कि आप लोग इतने प्रामाणिक हैं कि फर्स्ट से शुरू करो ये बोल पाए। फर्स्ट राउंड के अंदर, या आज तो फर्स्ट एंड लास्ट सब कुछ एक ही है, आपको यहाँ पर एक म्यूजिकल बीट सुनाई देंगी। म्यूजिक होगा, एक है वेव्स की आवाज़, समुद्र में उठती वेव्स सुनी है आप लोगों ने, और दूसरी है घंटियों की आवाज़, टिन 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 टिन। वेव्स की जब आवाज़ सुनेंगे तब श्वास को इनहेल करना है, ब्रीथ इन। ब्रीथ इन मतलब आपका पेट एक्सपैंड होगा, फील दैट एक्सपेंशन ऑफ स्टमक,
फील दैट. कोई नहीं बताएगा इतनी सूक्ष्मता से, लेकिन मैं बताती हूँ क्योंकि मैंने धोखा खाया है. ध्यान के नाम पर मैं भी घंटों बैठती थी और खूब विचारों को और विकारों को तगड़ा बनाकर वापस आती थी. कभी समझ नहीं आया कि इतने इतने घंटे हमने त्याग किया, इतने इतने घंटे आंखें बंद की, लेकिन ये विकार गए क्यों नहीं, ये विचार गए क्यों नहीं. फिर मिले ये पुरुष और उन्होंने समझाया कि खाली पवन का जय करना इतना नहीं है आसान, श्वास को जीतना इतना आसान नहीं है, भूमि का वश कार्य करो. और फिर समझ में आया श्वास को देखना पहले आज के लिए क्या है आपके लिए. ब्रीद इन, स्टमक एक्सपैंड करेगा, ब्रीद आउट, स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करेगा. इस सिकुड़ते हुए पेट को फील करो. और यही चाहे आप ये कहो ना, ये ध्यान की शुरुआत है, लेकिन इसी में अंत समाया है. हर प्रारंभ में अंत छुपा ही होता है, हर शुरुआत में अंत का इशारा होता ही है. शायद हम इशारों को समझ नहीं पाते, लेकिन हर सही शुरुआत में अंत का इशारा छुपा है. तुमने कभी ध्यान के नाम पर भी सही शुरुआत नहीं की. आज तैयार हो? तैयार हो. प्रभु, धर्म सच में ही गुप्त है, ऐसी समझ अब दृढ़ हो गई है. किसी भी कार्य का संबंध धर्म से नहीं है, परंतु कार्य के समय में जो भाव है, जो उल्लास है, जो जागरण है, वह धर्म है. बेम प्रभु का अगला सत्संग 14 फरवरी थर्सडे की शाम शाह ऑडिटोरियम में है. जिसे भी लाभ लेना हो वो कार्ड पर कर काउंटर पे दे दें और उनके इनविटेशन कार्ड्स हम लोग उन्हें कुरियर कर देंगे. बेम प्रभु के 100 से भी ज़्यादा सत्संग यूट्यूब पर है, आप घर बैठे इनका लाभ अवश्य लें. बेम प्रभु से मिलने के लिए किसी को भी आज के सत्संग के बारे में, के ध्यान के बारे में उनको मिलना हो तो ज़रूर टॉप फ्लोर पे कॉन्फ्रेंस रूम में आज ही अवश्य मिल के जाएं. श्री एसएस जैन सभा द्वारा आयोजित प्रसाद का लाभ अवश्य सभी को लेकर यहाँ से जाएं. थैंक यू प्रभु.